मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं मुंब्रा के जैन मंदिर में और आपको बता दें यहाँ पर जो है बिहार जाने वाले मजदूरों को जो है यहाँ पर बुलाया गया है इन्हें गांव भेजने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये मजदूर अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि 3 और 4 तारीख को जो लोगों ने फॉर्म जमा किए थे उनमें से जो मजदूरों के फॉर्म सेलेक्ट हुए हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और शायद मुंब्रा कौसा में रहने वाले मजदूरों के ये पहला ग्रुप है ऐसा कि जिन्हें गांव जाने का मौका मिल रहा है और इन्हें भिमंडी से जो इन्हें ट्रेन पर बिठाया जाएगा इसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि भिमंडी इन्हें कैसे लेकर जाया जाएगा तो ये बताया जा रहा है कि इन्हें बस के द्वारा जो है यहाँ पर बाहर बस लगेगी और इस मैदान से जो है सीरियल वाइज एक एक करके ग्रुप वाइज जो है उस बस में इन्हें बिठाया जाएगा, उसके बाद बस द्वारा इन्हें भिमंडी जो है भेजा जाएगा। भिमंडी से बताया जा रहा है कि रात के वक्त जो है ट्रेन है जो बिहार जाने वाली ट्रेन है उसमें बिठा कर इन लोगों को भेजा जाएगा और ख़ास तौर पर सिर्फ ये लोग जो बिहार जाने वाले लोग हैं उन्हीं मज़दूरों को आज यहाँ पर बुलाया गया है। और किस तरह का ये लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए थे और आज इन्हें घर जाने का मौका मिल रहा है तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि जाने का मौका मिल रहा है क्या करेंगे। जैसे 40 दिन हो गया ना खाना मिला है ना राशन मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है। रूम वाला बोल रहा है भाड़ा हमको चाहिए, हम लोग 2 महीने से कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो कहाँ से भाड़ा देंगे। यही इधर बहुत प्रॉब्लम है, खाने का नहीं मिल रहा है। एक 40 दिन में सानू ने 5 किलो चावल बंटवाया है बस यही किया और कुछ नहीं मिला है हमको। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये मजदूर बता रहे हैं कि इन्हें काफ़ी तकलीफें थी, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था इसलिए इन्हें गांव जाना था। लेकिन यहां पर और भी देख सकते हैं आपकी जो ये पूरा सामान लेकर जो है गाँव जाने की तैयारी में है, बच्चे यहां पर हैं और महिलाएं भी यहां पर, हम इनसे बात करेंगे। कहां बिहार जाने वाले हैं? हाँ बिहार जाने वाले हैं। कैसा ये लॉकडाउन में आपको कितनी तकलीफों का सामना? तकलीफ तो बहुत हो रहा है, बहुत दिन से तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं अभी। आज कैसा महसूस हो रहा है आज अपने गांव जाने के लिए यहां पर? आज तो अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी की चीज़ है, मतलब हम लोग जा रहे हैं तो खुशी है हम गांव पहुंच जाए। पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं आप? पूरा परिवार के साथ जा रहे हैं, 6 लोग, बाकी 6 लोग है, बाकी सब अपने है। तो आप बिहार जाने वाले कहाँ, बिहार में कहाँ? मैं बिहार का कटिहार जिला का रहने वाला हूँ और हमारे इतने आस पास में जितने सारे कटिहार जिला के ही है और हम लोगों ने 3 दिन पहले यहाँ फॉर्म अप्लाई किया था। सबसे पहले तो नगर निगम के पास फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ पे भरने के बाद फिर पुलिस चौकी आना पड़ा। पुलिस चौकी आने के बाद 3 दिन के बाद हम लोग का आज मैसेज आया, फ़ोन भी आया और हम लोग करीब 12 बजे रूम से निकले, अभी करीब 3 बज गया और ट्रेन का भी पता नहीं है कभी ट्रेन आए। ट्रेन रात में जाएगी 11:30 बजे, क्या पता हमें, लेकिन अभी मालूम नहीं है। सुना है कि बस आने वाली है, बस आएंगी उसमें 1200 लोगों को शिफ्ट किया जाएगा और हम लोग अपने अपने गाँव जाएंगे। आज बहुत दिनों के बाद गांव जाने का जो उमंग है मौका मिला है, बहुत दिल खुश है हम लोगों का, सबको खुशी है। नहीं तो कितने जन तो पैदल ही चले गए गांव, अगर ये रास्ता नहीं निकाला गया होता हमारे तो शायद कितने लोग रास्ते में ही जान दे दिए होते और हम लोग भी रास्ते में ही निकलने ही वाले थे कि तब तक सही मौके पर सही कदम उठाया गया। अभी लॉकडाउन में आप लोग फंसे हुए थे तो फिलहाल अभी आपको घर जाने का मौका मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा तो है नहीं, ना खाने का ना राशन का, आदमी लोग भी कारीगर लोग सब घर पे बैठे ले, इसलिए हमें बिहार जाने का मौका मिला तो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस लॉकडाउन में आप एक महिला हैं तो इस लॉकडाउन में कैसा घर में किस तरह की परेशानियाँ रही? हमारे घर में खाने का थोड़ा तकलीफ है इसलिए आदमी लोग थोड़ा चिड़चिड़ापन कर रहे करके, काम नौकरी भी नहीं जा रही उसके लिए थोड़ा बहुत टेंशन है, इसलिए एक दिन बीच करके 2 दिन बीच घर में तो क्रिकेट होते ही रहता है क्योंकि पैसा पानी नहीं, आदमी लोग काम पे नहीं जा रहे, इसलिए थोड़ा तकलीफ है। इसलिए बिहार जाने के लिए मौका मिला तो हमें खुशी हो रही है कि हम अपने गांव देश जा रहे करके। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहां पर जो है काफ़ी मजदूर इकट्ठा है और ये मजदूर जो है यहाँ मुंब्रा से जो है भिमंडी जाएंगे, भिमंडी से इनके लिए ट्रेन का बंदोबस्त किया गया है, उसके बाद वो ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।